सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हमें देखनी है फिनॉल की एक और नेमिंग केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है कोलबेज रिएक्शन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आप लोगों को यहां पर केमिकल रिएक्शन बताऊंगा क्योंकि एक्चुअली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उसके पीछे का मैकेनिज्म भी बताने वाला हूं और मैकेनिज्म समझने के बाद एक्चुअल में आपको प्रोडक्ट बड़ी आसानी से याद हो जाता है, जो जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो भी बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि पूरी मैकेनिज्म देखिएगा, छोटी सी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे लेकिन देख के जाइएगा। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि ये फिनॉल की केमिकल रिएक्शन है तो हमें फिनॉल तो चाहिए ना बच्चों। अब देखिए फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में हमने सबसे पहले फिनॉल ले लिया, ये हमारे पास फिनॉल है और ध्यान से इसको देखिएगा, फिनॉल में सीधे रिएक्शन नहीं होती है, फिनॉल में आपको पहले एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से हटाना पड़ता है, जिस जो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा NaOH, कोई बेस, सबको समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सोडियम फिनोक्साइड बनाओगे, यहां से OH करेगा इस हाइड्रोजन को रिप्लेस और यहां से बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, ध्यान से उसको देखिएगा सोडियम फिनोक्साइड। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो ये O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ध्यान से उसको देखिएगा, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। उसके बाद आपको रिएक्शन करवानी है इसकी CO2 के साथ, ठीक है। सो फाइनली यहां पर CO2 होगा फर्स्ट स्टेप और फिर सेकंड स्टेप में आपको एसिडिफिकेशन करवाना है। तो यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे देखिए ध्यान से, CO2 से रिएक्शन फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन तो यहां पर Na+ के रिमूवल के लिए, वापस उसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो CO2 से रिएक्शन करवाने के बाद क्या होगा, यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप आएगा। वो कैसे आया वो मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा ये दोनों स्टेप करने के बाद, यहां पर होगा OH और यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे COOH। ऐसा क्यों हुआ कि ऑर्थो पोजीशन पे ही जुड़ा, किसी और पोजीशन पे क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि फिनोल एक एसिडिक करेक्टर शो करता है जिसमें यहां पर जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता है वो रेजोनेंस की वजह से सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही एक्टिव होती हैं। दूसरी बात, यहां पर ऑर्थो वाले क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लगा हुआ है वहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ऑर्थो वाले कंपाउंड ज्यादा बनते हैं। सवाल बहुत बार पूछा जाता है, देखिए जरा गौर से, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है, क्लियर हो गया। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इस केमिकल रिएक्शन में बहुत बार आपको इसका, यानी कि ये फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम ही पूछ लिया जाता है और कुछ नहीं पूछते। तो मैं आपको इसका नाम बताता हूं, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, तो आप लिख लीजिए सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड बनता है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, इसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, इसका नाम ही बहुत बार पूछ लिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं है कि वो दो स्टेप में आपको लिख के दें, सीधे भी आपको लिख के दे सकते हैं कि ये फिनॉल है, उसमें आपने रिएक्शन करवाया सबसे पहले NaOH और साथ में फिर CO2 और फिर उसके बाद दूसरे में एसिडिफिकेशन, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। आप तुरंत उस केस में क्या कहेंगे कि यहां पर सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, अगर आप इसको और कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं तो दूसरा नाम भी हो सकता है, ऑर्थो पोजीशन पे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रखा है तो इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, लिख लो दिस इज ऑर्थो, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे लिए मेन ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन हो गई। सो दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, उसके बाद यहां क्या होगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो गया। सो फाइनली इस तरह से तो ये है केमिकल रिएक्शन, आपको एग्जाम में ये लिखा मिलेगा, आपको सीधे आंसर करना है कि भैया यहाँ प्रोडक्ट क्या है, ओ मैंने ऑर्थो था मैं उसको हटा देता हूँ, ठीक है। सो फाइनली ये सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, अब हम देखेंगे कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, लेकिन तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लो कि अगर आपको NaOH, CO2 और H+ देखने को मिले तो सैलिसिलिक एसिड मिलता है और जिसका फॉर्मूला ये होता है, सबको समझ में आ गया। सो इसको फटाफट से नोट डाउन करो फिर इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं, चलिए फटाफट से देख लिए ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब कोलबे रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज्म चेक करते हैं, इस मैकेनिज्म के थ्रू आपको आसानी से समझ में आएगा कि सैलिसिलिक एसिड फिनोल से बना तो बना कैसे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहां पर मैंने बनाया है फिनोल, आपको फिनोल तो चाहिए क्योंकि फिनोल की रिएक्शन है, तो मैंने यहां पर फिनोल बनाया, ध्यान से उसको चेक करेगा, बहुत आसान है और ये रिएक्शन वैसी है जैसे कि रैमटिमान है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से उसको चेक करिएगा, ठीक है। तो हमको पता है कि ये फिनोल है और इसकी एसिडिक नेचर होती है, हाइड्रोजन आसानी से अलग हो सकता है और इसको अलग करिए सबसे पहले। तो यहां पर सबसे पहला काम होता है NaOH का, जो यहां क्या करेगा, OH- आयन देगा और OH- आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर, सबको दिखाई दे रहा है, और यहां से क्या निकलेगा बाहर, H2O बाहर निकलेगा।
तो यहां पर बन क्या रहा है, ये देखिए जरा चेक करिएगा, दिस इज फिनोक्साइड आयन। तो सबसे पहले फिनोक्साइड आयन बनता है, जरा चेक करिए यहां पर, ये हो गया फिनोक्साइड आयन, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, आसान है। अब देखिए यहां पर फिनोक्साइड आयन पे ऑक्सीजन पे है इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा इस रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेगा, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे ना ऑर्थो पोजीशन पे, अगर आप रेजोनेंस चेक करो, लास्ट वीडियो देखी तो आपने ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव साइन आता है, नहीं देखिए तो प्लीज आप जाके लास्ट वीडियो जरूर चेक करना, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। अब देखिए सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर जैसे ही रेजोनेंस आया तो यहां पर इस ऑक्सीजन चेक करिएगा, यहां पर ऑक्सीजन ने क्या किया, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इस कार्बन पर, ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास नेगेटिव आ गया। और ऑर्थो वाला कंपाउंड मेजर में बनेगा क्यों, उसका रीजन बहुत ही साफ है, क्योंकि ऑर्थो और यहां पर जो OH ग्रुप, CWH और OH ग्रुप आपस में क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, वो भी आपको बता दूंगा, पर यहां पर हम उस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं, दिखाई दे रहा है। अब यहां पर CO2 पिक्चर में आएगा, क्योंकि आप CO2 अटैक करना है। देखिए CO2 खुद भी एसिडिक नेचर का होता है, ये तो जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, ये तो पता है एसिडिक नेचर का होता है। अब सीन कुछ ऐसा है, एसिडिक नेचर का यहां पर आपको एक कंपाउंड दिखाई दे रहा है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट होंगे इस कार्बन को, ठीक है, क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है, आप चेक करिएगा, CO2 इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक है तो ऑब्वियसली यहां पर क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब सीन कुछ ऐसा है कि जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा CO2 को, वैसे ही एक पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, देखिए कितना आसान काम है। तो यहां से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन रहा है मैं नीचे की तरफ बनाता हूं, जरा चेक करिएगा, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो देखिए फटाफट से इस तरफ दिखाई दे रहा है सब लोगों को, सो फाइनली यहां पर डबल बॉन्ड तो था ही, ऑक्सीजन है ही, यहां पर ये बॉन्ड वैसे के वैसे ही हैं, और यहां पर देखिए अब कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फाइनली यहां पर एक ऑक्सीजन था जिसपे नेगेटिव साइन है, क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो चुके हैं, दिखाई दे रहा है। अभी कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं, लेकिन जरा चेक करो कि इस यहां पर जो आपके पास कार्बन दिखाई दे रहा है उसके पास एक हाइड्रोजन है और इसकी एरोमेटिसिटी नहीं है, तो इसकी एरोमेटिसिटी को वापस से रिटर्न करने के लिए यहां पर हाइड्रोजन अपनी आहुति देगा, यहां से हाइड्रोजन वापस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ताकि बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ जाए। अब जरा चेक करो यहां से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस से डोनेट करेगा, आप चाहो तो इसको H+ की फॉर्म में बाहर निकाल के सीधे ऑक्सीजन को भी दे सकते हो, सबको समझ में आ गया, एक ही बात है, या फिर आगे वाले स्टेप में दे दो। ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा ऑक्सीजन पे आ जाएगा वापस से माइनस, सबको समझ में आ गया, और ये हाइड्रोजन किधर चला जाएगा, इसको दिखाई दे रहा है सब लोगों को, तो यहां पर उस ऑक्सीजन को वो हाइड्रोजन मिल गया, तो जरा चेक करो कि क्या बन गया यहां पे, यहां पर ये हुआ, यहां पर सिंगल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे है माइनस, ये वापस से बॉन्ड क्रिएट हो गए सबके सब, और यहां पर देखिए जरा चेक करिएगा कि यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहां पर आ चुका है OH। अब तो हम बहुत ही पास हैं, आपको क्या करना है, एसिडिफिकेशन, H+ H2O लिखा होता है या सिर्फ H+ लिखा है तो भी चलेगा, इस प्रोसेस को हम लोग एसिडिफिकेशन बोलते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ H+ आयन देना है, तो एसिडिफिकेशन करते ही आपके पास आपका जो मेन आपके पास जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगा, ये लीजिए आपका मेन प्रोडक्ट तैयार हो गया, ये लीजिए फाइनली, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सो दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ये बहुत ही फेमस है अपने नाम से, सिंपल सा मैकेनिज्म है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इजी है ना। सो फाइनली यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये इसको यहाँ कर लो, इसको आप नीचे लगा लो, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ऑर्थो वाला कंपाउंड ज्यादा बनेगा, क्लियर हो गया सब लोगों को। आप कैसे भी दिखा सकते हो, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन लेते तो उसका ऑक्सीजन ले लेते, वहां भी बन जाता, तो ये सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ इतना बताना होता है कि भैया ये वाला कंपाउंड है जो बनेगा यहां पे, यहां पर OH आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे CWH आ रहा है, इसको हम लोग सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, या फिर इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सिंपल है ना। सो फाइनली गाइज यहां पर हमने फिर से कोलबेज रिएक्शन, जो कि बहुत ही फेमस रिएक्शन है, NCERT में सिर्फ रिएक्शन लिखा हुआ, मैकेनिज्म नहीं बताया है मैंने आपको, यहां पर मैकेनिज्म बताया, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, सिंपल है। सो फाइनली गाइज इसको अच्छे से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो फटाफट से, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। टिल देन आपको होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको फटाफट से खत्म करो, और फाइनली
इन वीडियोस को उन बच्चों को जरूर शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, दूर तक इन वीडियोस को पहुंचाओ, क्योंकि हम लोग 2,00,000 सब्सक्राइबर की फैमिली को रीच करने वाले हैं जल्दी, ठीक है। सो गाइज डू शेयर दीज वीडियोस, और स्पेशली कहूंगा जिन पेरेंट की मॉनिटरी कंडीशन ठीक नहीं है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें। गाइज आप हम लोगों को चाहें तो, अगर आप सक्षम है तो यहां पर डोनेट भी कर सकते हैं, डोनेट वाया पेटीएम, डोनेट वाया अकाउंट, व्हाटएवर। अगर आप हमें स्पॉन्सर करना चाहते हैं और अगर आप सक्षम है, आपके पेरेंट सक्षम है, तो आप हमें सहायता भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही कोचिंग फ्री इंडिया कैंपेन में आप लोग हमारा साथ देख सको, दे सको और आप लोग हमारे साथ जुड़ सको। सो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।